आए हुए भारी संख्या में उपस्थित बहनों और भाइयों तथा नौजवान मित्रों, आप सबको मालूम है कि अभी पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कानून बनाया है। मित्रों, एक बात स्पष्ट तौर पर आप सबके ध्यान में होगी कि ये लोगों को नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आज से 5 वर्ष पूर्व 31 दिसंबर 2014 के पहले जो मजबूर, बदनसीब और बेसहारा लोग थे, धार्मिक रूप से जिनका उत्पीड़न किया गया था, वे मजबूरी में वहां से निकले थे, ऐसे लोगों को सम्मान का जीवन मिल सके उन्हें नागरिकता देने के लिए यह कानून बना है। एक बात बताइए कि जब किसी दलित, मजदूर और कमजोर वर्ग के लोगों पर जुल्म होगा, खासतौर से जब देश का बंटवारा धार्मिक आधारों पर हुआ, तो ये लोग भारत छोड़ करके कहां जाएंगे, इन्हें कौन दूसरा स्थान देगा। ये कानून उन दलितों, मजलूमों और सामान्य लोगों को नागरिकता देने का कानून है। मैंने पहले ही स्पष्ट किया, ये किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। मैं मानता हूं कि यह कानून भारत को एक नई पहचान देने वाला है। संसद में मिनी करारी हार के कारण विपक्षी दलों के नेता इस कदर बौखला गए हैं कि वो देश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मुझे स्मरण आ रहा है नानी पालकी वाला की वो बात, जब उन्होंने कहा था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो ब्लिस, माने कानून न जानना, देश के कानून को न जानना ये कोई आनंद का विषय नहीं है। और इसलिए हमें समझना होगा इस बात को कि जहां राज्य के अधिकार को हम समझते हैं, वहीं हमें अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। हमारे देश की संस्कृति बड़ी पुरानी है, जो भी मजबूर हमारे दरवाजे पर आया है उसकी सहायता करना ये भारतीय संस्कृति और परंपरा का अंग रहा है। और ऐसे में उन बदनसीबों को जो सालों से यहाँ रह रहे थे, घर नहीं खरीद सकते थे, बच्चों की शिक्षा नहीं हो सकती थी, उनका इलाज नहीं हो सकता था, मैं मानता हूँ कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री और देश के सम्माननीय गृह मंत्री ने एक ऐतिहासिक काम आजादी के 70 सालों बाद किया है। नेहरू और लियाकत का जो समझौता 1950 में हुआ था, मैं मानता हूं कि उसकी मूल भावना को इसमें प्रतिबिंबित किया गया है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, कि अगर अन्यथा कोई न ले, तो जो लोग इस देश को धर्मशाला समझते हैं, वो आज देश की राजनीति पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति, प्रजात और मजहब की होने वाली राजनीति को करारा झटका देने का काम किया है। राष्ट्र विरोधी ताकतों के मंसूबों पर जिस तरह से पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाम लगाई है, उसका ये दुष्परिणाम रहा है कि आज ये लोग तरह तरह की गफलतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर एक बात मैं कहूं कि कांग्रेस और जिन्ना के पापों का प्रायश्चित आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है, तो ये बात कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1947 से धर्म के आधार पर देश बांट दिया गया, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से ही बांग्लादेश बना और हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। ऐसे लोग जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे लोग इस देश में अगर नागरिकता नहीं पाएंगे तो कहां नागरिकता मिलेगी, ये मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है।